घासेड़ा में अपहरण कर व्यक्ति को बनाया बंधक। सदर थाना नूह पुलिस ने मात्र 5 घंटे में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से अपहरण किए गए व्यक्ति को सकुशल किया बरामद। मामले में नामजद आरोपी को भी किया गिरफ्तार। नूह मेवात जिले के सदर थाना अंतर्गत गांव घासेड़ा में दिनांक 28 मार्च को समय करीब 9 बजे मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गए एक युवक का अपहरण कर बंधक बनाए जाने का मामला प्रकाशमाया है। नूह सदर थाना पुलिस को कंट्रोल रूम नूह से जैसे ही युवक के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई, थाना प्रभारी निरीक्षक जगबीर सिंह की टीम तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंची। मात्र 5 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं द्वारा बंधक बनाकर अपहरण किए गए व्यक्ति को सकुशल एक मकान से बरामद किया गया। पुलिस को दी शिकायत में अनवर पुत्र हुसैना निवासी घासेड़ा ने बताया कि दिनांक 28 मार्च को समय करीब 9 बजे उसका लड़का मुबारक घासेड़ा गाँव में ही एक मेडिकल स्टोर से दवाई लेने गया था। उसी समय उसके लड़के मुबारक का अपहरण फुरकान का सलीम पुत्रान हबीब निवासी घासेड़ा हारिस पुत्र यूसुफ उर्फ गोलू की स्विफ्ट गाड़ी में ले गए तथा एक मकान में बंधक बना लिया। वही अपहरण करने में हबीब पुत्र सुलेमान भी शामिल हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आगामी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। नूह सदर थाना प्रभारी निरीक्षक जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम नूह से सूचना प्राप्त हुई थी कि घासेड़ा स्थित मेडिकल स्टोर से एक युवक का स्विफ्ट गाड़ी में अपहरण कर लिया गया है तथा उसे बंधक बनाकर गांव में ही एक मकान में रखा है। मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंची। पुलिस ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया और युवक को तलाशने लगे। तब तक अपहरण करने वाले लड़के गांव में ही एक मकान में मुबारक को बंधक बनाकर फरार हो चुके थे। व्यक्ति मकान में बैठा मिला, जिसने अपना नाम हबीब पुत्र सुलेमान निवासी घासेड़ा बतलाया। तलाशी के बाद पुलिस द्वारा अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बंधक बनाए हुए व्यक्ति को सकुशल बरामद कर एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान हबीब पुत्र सुलेमान निवासी घासेड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बकाया है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में गिरफ्तार किया गया था, क्या था पूरा मामला? रात करीब 10 बजे कंट्रोल रूम से हमारे पास सूचना मिली थी कि घासेड़ा में मेडिकल स्टोर से एक मुबारक नाम के लड़के का 4-5 लड़कों ने गाड़ी में अपहरण कर लिया है। जिस सूचना पर हमने एक टीम तैयार करके तुरंत मौके पर भेजी, जहाँ पर अपहरण किए गए लड़के के पिता ने अनवर ने मिल करके पुलिस टीम को अपनी एक लिखित दरखास्त पेश की, जिस पर मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद अपहरणकर्ता व अपहृत लड़के दोनों की जो है तलाश की गई, जो करीब 5-6 घंटे में अपहृत किए गए मुबारक को गांव घासेड़ा से एक मकान में जहाँ बंधक बनाकर रखा था, वहाँ से जो है सकुशल बरामद किया। तो सर, इस मामले में कितने आरोपियों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया? यह अभियोग 5 नामजद के विरुद्ध दर्ज किया गया है। तो अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तारी हो पाई? अभी तक इसमें 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बाकी की तलाश की जा रही है। इसमें कोई पैसे के लेन देन का मामला अभी अनऑफिशियली जो है जानकारी में आया कि उसकी पैसे इसका किडनैप किया था। ये सभी आरोपी घासेड़ा गाँव के हैं, जिनमें फुरकान, इक्का, सलीम, हारिस और हबीब। फिलहाल हबीब को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी जो 4 आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है।